हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स। तो गाइज, इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे डोमेन होस्टिंग के बारे में। एक्चुअली डोमेन होस्टिंग होता क्या, कैसे हम लोग उसे बाय कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग उसे बाय करेंगे और कैसे हम लोग डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ हम लोग इसे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक बात, मैं जो आपको ये जो कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि वेब डिजाइनिंग कोर्स, तो मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको फ्री हुए और पेड हुए ये दो हुए मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको चाहिए तो अगर आप वर्डप्रेस की तरफ जा सकते हो, अगर आपकी बजट अलाउ करता है तो वर्डप्रेस की तरफ जा सकते हो, अगर आपकी बजट अलाउ नहीं करता है तो सिंपल आप ब्लॉगर blogspot.com के अंदर आपकी साइट फ्री में होस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये दो तरह की जो चीज़ें होती है उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स जानकारी दूंगा, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो इसके लिए ये वीडियो हो सकता है एक वीडियो बने, नहीं तो मैं आपको मतलब पार्ट पार्ट करके वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। ओके, तो ये जो था हमारा जो पिछला वीडियो था हमारा इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने पढ़े थे, और इस जो टॉपिक आज की जो टॉपिक होगी हमारे लिए वो डोमेन होस्टिंग वो सारी चीज़ के बारे में होगी। ओके, तो बेसिकली डोमेन एक्चुअली क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ओके, तो पहले डोमेन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो ये जो blogingbuddy.com, ओके, यहाँ पे मैंने सर्च किया blogingbuddy.com, ये एक डोमेन नेम है। ओके, एक वेबसाइट की उसकी नाम जो होती है ना वही है डोमेन नेम। ओके, आपको आपकी वेबसाइट को एक नाम अगर देते हो ना तो आपकी वेबसाइट को लोग मतलब जान पाएंगे कि ये वेबसाइट जो है इसकी वेबसाइट है, उसका वेबसाइट है। ओके, तो एक वेबसाइट के लिए एक नेम की ज़रूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं हम डोमेन नेम। ओके, और होस्टिंग हम उसे बोलते हैं, होस्टिंग ये है अगर आप लोग किसी भी साइट को अगर होस्ट करना चाहते हो। ओके, तो उसके लिए आपको मतलब ज़रूरत पड़ती है होस्टिंग ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इसके लिए आप लोग को होस्टिंग भी खरीदना पड़ेगा। तो खैर, हम लोग होस्टिंग के बारे में बाद में जानेंगे, पहले हम लोग डोमेन के बारे में जानते हैं। डोमेन के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट जानकारी दे दी है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, चलेंगे एक साइट के अंदर। अगर आप डोमेन खरीदना चाहते हो तो GoDaddy आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। ओके, और अगर आपकी बजट अलाउ करता है तो आप GoDaddy के अंदर जाओ। ओके, और GoDaddy के अंदर जाने के बाद आपको मतलब बहुत मतलब रिलायबल डोमेन यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, डोमेन आप कहीं से भी ले सकते हो। ओके, बट अगर GoDaddy से लेते हो तो आपको अच्छा सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाती है। ओके, और ये ट्रस्टेड साइट है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप .in, .co, .in, .com ये सारे डोमेन अगर लो तो GoDaddy में आओ और ले सकते हो वेरी इजीली। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक साइट होस्टिंगर, एक साइट है ये भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड साइट है। ओके, ऐसे में ऐसे आप बोले तो GoDaddy है, होस्टिंगर है, होस्टगेटर और बहुत सारे जो डोमेन कंपनीज है आपको डोमेन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो एक्सटेंशन की बात करें, ओके, एक्सटेंशन यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्सटेंशन भी मिल जाती है। देखो, डोमेन की एक्सटेंशन मतलब क्या है, ये जो डॉट इन यहाँ पे दिखाया गया है ना, .in, .com, .xyz, ओके, इस तरह की चीज़ों को हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। ओके, ये तो हमारा नाम हो गया यहाँ पे, बट देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो हमारा नाम हो गया। ओके, बट उसके बाद जो कि .com, .in, .xyz ये है एक्सटेंशन। ओके, तो आप मतलब जैसे एक्सटेंशन वैसे तरह की आपको पैसा देना पड़ेगा डोमेन खरीदने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको होस्टिंगर पर मिलती है 75 रुपीज़ का डोमेन मिल जाती है आपको,
तो देखो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में इतनी ज़्यादा मतलब हाँ जो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों की इतनी ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करवाऊँगा। टॉप लेवल डोमेन में गिना जाता है ये XYZ। ओके, तो टॉप डबल डोमेन क्या होता है? टॉप डबल डोमेन .com.in, ये सारी चीज़ मतलब टॉप लेवल डोमेन होती है। तो इसी तरह XYZ भी एक टॉप लेवल डोमेन है। ओके, तो आप उससे ट्रस्ट कर सकते हो और आप 75 रुपये में इस डोमेन को खरीद सकते हो। ओके, तो बेसिकली अगर डोमेन खरीदना पड़ेगा तो आप कैसे खरीदोगे? तो सिंपल चीज़ है, ये करना है आपको। आप गोडैडी में जाओ या होस्टिंगर में जाओ। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक मिलेगी इस होस्टिंगर की, तो उस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाओ। ओके, जैसे ही यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको इस तरह की एक पेज मिल जाएगी। ओके, फ्रंट पेज आपको देखने को मिल जाएगी होस्टिंगर की, जो कि है फ्रंट पेज ही इस तरह की आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपल आपको डोमेन लेना है, जो कि है यहाँ पे डोमेन के ऊपर क्लिक करना है आपको। ओके, और डोमेन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये आपके सामने एक इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी यहाँ पे टेक की 75 है, XYZ की 75 है, .in डोमेन जो है 435 रुपीज़ में यहाँ पे मिलती है, और .com डोमेन 602 रुपये में मिलती है, और .live 272 और .groove 293, इस तरह की प्राइस में आपको डोमेन नेम मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे उसकी जो प्राइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके, इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगी आपकी डोमेन, मतलब आपकी वेबसाइट के नाम आप क्या रखना चाहते हो। मान लो मेरी वेबसाइट में यहाँ पे लिखता हूँ वेब डिजाइनिंग 2020। ओके, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो देखो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक XYZ डोमेन खरीदेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग .xyz, यहाँ पे देखो .xyz यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, वेब डिजाइनिंग 2020 .xyz देखो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो अगर आप टेक खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, और .com भी अवेलेबल है। ओके, .in भी अवेलेबल है। ओके, और जो भी चीज़ अवेलेबल है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, और आपको जो भी एक्सटेंशन आपको चाहिए, मतलब .xyz हो, .in, .com, जो भी एक्सटेंशन चाहिए यहाँ पे आपको एड कार्ड कर देना पड़ेगा। ओके, ये रहा आपका मतलब वेबसाइट की नेम, और ये रहा एक्सटेंशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एड कार्ड करा, और यहाँ पे आपको कार्ड के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे रहे कार्ड। ओके, तो जैसे ही कार्ड के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे देखो हमारा जो डोमेन है अभी 89% डिस्काउंट है। ओके, और 75 रुपीज़ में हमको ये डोमेन मिलता है, और ये जो टैक्स वगैरह को मिला के 103 रुपये में ये डोमेन हम लोग को मिल जाएगी। ओके, तो आप लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी हाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ माई डोमेन नेम। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, 275 रुपये हर ईयर के लिए, मतलब 1 साल के लिए ये होस्टिंगर आपकी डोमेन की जो मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन को ये हाइड करके रखेगा। ओके, और यहाँ पे आपको दिया गया है होस्टिंग प्लान, तो होस्टिंग प्लान के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, अभी हम लोग डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम आप लोग क्या करोगे, चेकआउट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही चेकआउट के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपकी नेम डालना पड़ेगा, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हो ना, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, ये मेरी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पे आपको जाके लॉगिन कर सकते हो, मतलब साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करो और बस हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो, तो जो भी आपकी जीमेल अकाउंट है यहाँ पे आपको ऐड कर देना पड़ेगा। ओके, जैसे कि लॉगिन विथ,
के ऊपर क्लिक करो, आपकी जितनी भी ईमेल आईडी है यहाँ पे आ जाएगी। ओके, मेरा जो ईमेल आईडी है मैं यहाँ पे अभी उसे ऐड कर रहा हूँ, होस्टिंगर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे ये देखो कनेक्ट हो रहा है। जैसे ये कनेक्ट होगा तो मेरी अकाउंट पूरी तरह से बन जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगी पेमेंट करने के लिए। तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो पेपल के थ्रू, नहीं तो पेटीएम के थ्रू, और बिटकॉइन वगैरह अगर आपके पास है तो बिटकॉइन की मदद से आप ये पेमेंट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एड्रेस को फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एड्रेस को फिल कर सकते हो, फिल कर देते हो, यहाँ पे कंटिन्यू विथ पेमेंट के ऊपर क्लिक करो, और जैसे ही पेमेंट करोगी तो ये आपकी जो मतलब ये जो डोमेन है ना आपके पास आ जाएगी। ओके, तो मैं ऑलरेडी आपके लिए एक डोमेन खरीद के रखा हुआ हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो हम लोग चलते हैं हमारे डोमेन के अंदर, और वहीं पर हम लोग हमारे डोमेन की जो सारी की सारी चीज़ मैं वहीं पर बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक डोमेन ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ हूँ। देखो एक्स वाई जेड डोमेन मेरे पास है जो कि मैं बहुत दिन पहले से खरीद चुकी हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस प्रोसेस के बाद आपको इस तरह की एक डैशबोर्ड मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगी, और ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आपको अभी हम चलते हैं कि आप फ्री मेथड के बारे में जानते हैं। अगर आप फ्री मेथड में जाओ मतलब आप ब्लॉगस्पॉट डॉट के अंदर आपकी साइट को वेबसाइट को होस्ट करना चाहो तो वो कैसे होस्ट करो, तो उसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। ओके,